अभी तक दोस्तों हमने इस चैनल पर दुनिया के सबसे खतरनाक सांप, दुनिया के सबसे खतरनाक बिच्छू और यहाँ तक कि दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक डॉग्स की भी बात कर ली है, लेकिन आज बात होगी इंसेक्ट्स की। हालांकि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या चीज आपको ज्यादा डराती है, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ या फिर एक चींटी, जाहिर है आप सभी का जवाब होगा क्रोकोडाइल। लेकिन वीडियो देखने के बाद ना आपका पूरा माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे खतरनाक लेवल के इंसेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो इंसानों की जान भी कुछ सेकंड्स में ले सकते हैं, और इनसे तो यार चीता, शेर, क्रोकोडाइल सभी बेहद ही ज़्यादा खौफ खाते हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रही है क्योंकि वीडियो होने वाली है बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। नंबर 10 पर नाम आता है बुलेट एंट। अब चींटियों से तो हम सबको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, लेकिन अगर सामने बुलेट एंट हो तब दोस्तों खेल पूरा ही उल्टा पड़ता है। बुलेट चींटी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चींटी होने के साथ साथ पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा जहर वाली चींटी है। इनका ये नाम बुलेट एंट इसलिए पड़ा क्योंकि इनका डंक बेहद ही ज़्यादा खतरनाक होता है और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आपके शरीर में इनका डंक जाता है। अगर किसी इंसान को ये चींटी दोस्तों डस ले तो वहीं पर इंसान काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस करेगा और 24 घंटे तक वो पेन लगातार बढ़ती ही रहेगी, और इसके कहीं बाद में जाकर आपको थोड़ी रिलीफ मिलेगी। लेकिन अगर कहीं आप पर 10 से 15 बुलेट चींटियों ने एक साथ अटैक कर दिया फिर तो पेन के चलते आपकी मौत भी हो सकती है। नंबर 9 पर नाम आता है बोट फ्लाई का। बोट फ्लाइज दोस्तों ये दुनिया की आम मक्खियों से बेहद ही ज़्यादा डेंजरस और बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि ये जब भी किसी इंसान को काटती हैं तो ये उसके शरीर के अंदर अपना लार्वा छोड़ देती हैं। शुरू में तो ये लार्वा दोस्तों आपके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता और ना ही आपको पेन होती है, लेकिन जैसे जैसे ये आपकी चमड़ी के अंदर बना रहता है वैसे वैसे ही आपको स्किन की कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। ये बेहद ही खतरनाक लेवल की मक्खियाँ ज़्यादातौर पर सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। ये मक्खियाँ जैसे इंसान की बॉडी में डंक मारती हैं तो वैसे ही अपने अंडे बॉडी के अंदर छोड़ देती हैं, और इसके बाद हमारा क्या हाल होता होगा आप जानते हो। नंबर 8 पर नाम आता है फ्लीस का। अगर आप नहीं जानते कि फ्लीस क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ, असल में ये एक पैरासाइट होता है और ये पूरी दुनिया के अलग अलग प्रजातियों के ब्लड के ऊपर ही जिंदा रहता है, यानी ये पूरी तरह से डिपेंड रहता है ब्लड के ऊपर। ये दुनिया के किसी भी इंसान के खून को, किसी भी जानवर के खून को या फिर किसी भी पक्षी के खून को बड़ी ही आसानी से अब्सॉर्ब कर सकता है, और आप समझ ही सकते हैं अगर ये सभी का खून अब्सॉर्ब कर सकता है तो ये कितना ज़्यादा खतरनाक है। अगर किसी भी इंसान के ऊपर फ्लीस का अटैक होता है तो दोस्तों उसकी पूरी चमड़ी के ऊपर गंदे निशान बनने लगते हैं और चमड़ी काफ़ी ज़्यादा ख़राब सी होने लगती है। वैसे तो फ्लीस का आकार दोस्तों पैन के बिल्कुल निप के जितना होता है, लेकिन ये प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से करते हैं। नंबर 7 पर नाम आता है फायर एंट्स। हमारी लिस्ट में दोस्तों चींटियों की एक और खतरनाक प्रजाति आ चुकी है। फायर एंट्स की दोस्तों टोटल वैरायटीज पूरी दुनिया में 285 टाइप्स की है और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मानी जाती हैं। इन चींटियों की सबसे ज़्यादा डेंजरस बात ये होती है कि ये किसी भी इंसान को एक बार डंक नहीं मारती, बल्कि ये तब तक काटती रहती हैं जब तक कि मरीज गिरकर ज़मीन को बिल्कुल छू ना जाए या फिर जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। इनका डंक बेहद ही ज़्यादा खतरनाक होता है और जिस जगह ये डंक मारती है वहाँ कई महीनों तक पेन बनी रहती है, और साथ ही जैसे ही इनका डंक हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है उसी समय आँखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। जिस जगह आपको ये चींटियाँ काटती हैं वहाँ पर कुछ ही हफ्तों में ऐसे निशान बन जाते हैं जैसे निशान आग के चलते बनते हैं, इसीलिए तो इनका नाम है फायर एंट। नंबर 6 पर नाम आता है किसिंग बग का। इसके नाम में तो भले ही रोमांस छिपा है, लेकिन दोस्तों ये खतरनाक बेहद ज़्यादा है। ये बेहद ही खतरनाक सा लगने वाला कीड़ा दोस्तों अलग अलग प्रजातियों के जीवों का बड़ी आसानी से खून चूसता है, और साथ ही इनको दोस्तों किसिंग का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जब भी इंसान पर हमला करता है तो ये उनके लिप्स पर ही काटना सबसे ज़्यादा पसंद करता है। इतने पर दोस्तों अगर ये काम ख़त्म कर देता फिर भी बात ठीक रहती, लेकिन जैसे ये हमारे लिप्स को चूसने लगता है तो वैसे वैसे ये हमारी बॉडी के अंदर पैरासीट को भी ट्रांसफ़र करने लगता है, जिसके चलते खून में अगर वो मिल जाए तो हमें कई खतरनाक बीमारियाँ हो सकती हैं, और इन बीमारियों में से बहुत सारी बीमारियां तो लाइलाज होती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी दुनिया में किसिंग बग के काटने के चलते ही 12,000 से भी ज़्यादा इंसानों की मौत होती है,
चलिए दोस्तों, इंसानों की मौत तो फिर भी काउंट की जा सकती है, लेकिन कितने दूसरे जीव इनके चलते मरते होंगे उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। नंबर 5 पर नाम आता है जायंट जापानीज हॉर्नेट। जापानी हॉर्नेट दोस्तों पूरी दुनिया में हॉर्नेट की सबसे ज्यादा बड़ी प्रजाति है और सबसे खतरनाक भी। एक बहुत ही ज्यादा बड़ी उम्र का दोस्तों आपको जायंट देखने को मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर का। हर साल पूरी दुनिया में तकरीबन 12 लोगों की मौत इनके चलते हो जाती है और हजारों लोग इनके चलते हॉस्पिटल भी जाते हैं। जब ये हॉर्नेट किसी भी इंसान को डंक मारता है तब उस इंसान का शरीर धीरे धीरे गलने लगता है और ये दोस्तों जाना ही जाता है किसी भी इंसान के शरीर को पूरी तरह से गलाने के लिए। अगर ये हॉर्नेट कुछ ही समय में दोस्तों लगातार इंसान को डंक मारता रहे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इंसान की वहीं पर दर्द के चलते मौत हो जाए। जापान में तो दोस्तों हर साल हजारों ही लोग इनके डंक के चलते डिसेबल भी हो जाते हैं। यही वजह है कि जापान में इनको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए कई तरह की प्लानिंग और कई तरह की मुहिमें अभी तक चलाई गई हैं। नंबर 4 नाम आता है सिट्सी फ्लाइज। लीजिए दोस्तों, हमारी लिस्ट में मक्खियों की दूसरी खतरनाक और बेहद ही ज़्यादा डेंजरस प्रजाति भी आ चुकी है, लेकिन ये मक्खी सही में इतनी ज़्यादा डेंजरस है कि आपके सुनकर होश उठ जाएंगे। ये पूरी अफ्रीका की दोस्तों सबसे ज़्यादा खतरनाक मक्खी है। मच्छरों की तरह ही दोस्तों ये भी दूसरे कई इंसानों और दूसरे कई जीव जंतुओं का खून चूसना बेहद ज़्यादा पसंद करती हैं। अगर ये इतने पर ही दोस्तों रुक जाती बात फिर भी ठीक होती और ये हमारी लिस्ट में कभी ना आती, लेकिन ये हमारे शरीर से खून तो लेती है लेकिन बदले में देती है जहर। और अगर किसी इंसान की इम्यूनिटी और इसका स्टेमिना बेहद ही ज़्यादा कमज़ोर है तब तो दोस्तों उस जहर के चलते इंसान की 12 से 15 मिनट के अंदर ही मौत भी हो सकती है। एक्सपर्ट ने तो ये भी बताया है, काफ़ी हैरानी वाली रिपोर्ट है ये, कि हर साल लाखों लोग पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर इस मक्खी के डंक के चलते ही मारे जाते हैं और न जाने कितने ही लोग इसके चलते हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं। नंबर 3 पर नाम आता है किलर बीज का। मीठे शहद को तो दोस्तों हम सभी बड़े स्वाद के साथ खाते हैं, लेकिन शायद उस समय हम ये भूल जाते हैं कि इनको बनाने वाली मक्खी कितनी खतरनाक है। चलिए वो मक्खी तो फिर भी आपकी जान नहीं लेगी, लेकिन ये मक्खी बहुत खतरनाक है। ये किलर बीज दोस्तों किसी भी इंसान का 1 मीटर तक पीछा करके उसे डंक मार के ही छोड़ती है, अगर इसे अपने ऊपर कोई खतरा लगे तो। ये अपने शिकार की एक ही स्पॉट को दोस्तों फिक्स करके वहाँ 8 से 12 डंक लगातार मारती है और इसका डंक बहुत जहरीला और बहुत पेनफुल होता है। लेकिन अगर कोई इंसान प्रॉपर क्लोथिंग में पूरी तरह से ढका हुआ हो तो दोस्तों इनकी प्लानिंग होती है कि यहाँ पर इंसान के दिमाग के आसपास या फिर आँखों पर किसी न किसी तरह हमला किया जाए। नंबर 2 पर नाम आता है ड्राइवर एंट्स। एक और चींटियाँ हमारी लिस्ट में अपनी जगह बना चुकी हैं और ये भी खतरा पूरा अपने साथ लेकर आई हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी क्लोनियों वाली चींटियाँ यही हैं और पूरी दुनिया में आज के दिन आपको कई खरबों मिलियन ड्राइवर चींटियाँ देखने को मिलेंगी और इनकी प्रोडक्शन भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हर दिन बढ़ रही है। ड्राइवर चींटियों की एक ही कॉलोनी में आपको 2 करोड़ और 25 लाख चींटियाँ देखने को मिलेंगी और लगातार हर दिन के साथ ये अपनी कॉलोनियों की गिनती को बढ़ाने में लगी हैं। कमाल की बात तो ये है कि अगर ड्राइवर चींटियाँ अपने पूरे झुंड के साथ किसी भी शेर पर या फिर किसी भी हाथी पर हमला कर दे फिर तो दोस्तों हाथी की भी मौत हो सकती है बेचारे की और शेर की भी। इनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा यूनिटी वाला होता है जिसके चलते जंगल का कोई भी बड़ा से बड़ा जानवर अगर इनके सामने आ जाए तो ये उससे भी ख़त्म कर सकती हैं। नंबर 1 मॉस्कीटोस। अब आप में से बहुत सारे लोग हैरान हुए होंगे कि मच्छर, एक आम मच्छर को इस लिस्ट में रखा ही क्यों और रखा भी तो वो भी पहले रैंक पर क्यों। शायद आपको पता नहीं होगा कि मच्छरों के चलते पूरी दुनिया में हर साल लाखों लोगों को खतरनाक बीमारियां होती हैं और साथ ही लाखों लोगों की मौत भी हो जाती है। 2021 के फरवरी में ही दोस्तों एक ताज़ा रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार ये बात सामने आई थी कि हर साल एवरेज तौर पर 12 लाख लोगों की मौत पूरी दुनिया में मच्छरों के चलते होती है और WHO की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में हर साल 700 मिलियन लोगों को मलेरिया होता है और उसका कारण आप जानते हो ये मॉस्किटोज। और पूरी दुनिया में हर 33 सेकंड के अंदर ही एक छोटे बच्चे की मौत मलेरिया के चलते होती है, तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मॉस्किटोज रैंक नंबर 1 पर क्यों हैं। इनमें से पहले 9 इंसेक्ट्स तो शायद आपको इंडिया में अपने घर के आसपास कभी देखने को ना मिले, लेकिन मच्छरों से सावधान रहिए,
वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने खुद के ही चैनल टेक प्रो को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी प्रेस कीजिए।